चैनल और आज हम जा रहे हैं एक हिडन प्लेस पे जो कि जयपुर में है। गांव के सड़कों की याद दिला दी इस रोड ने और ये व्यू इतना प्यारा लगा मुझे, मतलब बहुत अच्छा लग रहा था। एक्चुअली ये जो मंदिर है ये सामौद में पड़ता है और ये नांगल मरडा गांव में है जो कि जयपुर से 45 किलोमीटर दूर है। थोड़ा सा आगे चलते ही ये शॉप्स वगैरह आते हैं, यहाँ से आप कुछ भी खरीद सकते हो, खिलौने वगैरह और चेन वगैरह। ट्रिप था मेरे लिए, मतलब अचानक से कोई प्लान नहीं था लेकिन फिर भी आ गई मैं। चलो दिखाते हैं आपको आगे, ये देखो वहाँ जा रहा है टॉप पे, चारों तरफ से पहाड़ से गिरा हुआ है। यहाँ पार्किंग के लिए आपको पे करना पड़ता है, रेंट लगता है वहाँ पे, और वहाँ से हम ऊपर ऊपर चल के जो छोटी छोटी चीज़ें दिख रही है आपको यहाँ से करके ऊपर जाना है, ऐसे करके पूरा मंदिर। हाँ माउंटेन क्लाइंबिंग भी होती है, वो देखो लोग जा रहे हैं वहाँ से, बट हम तो सीढ़ियों से जाएंगे। यहाँ मुंह बांध करके आए क्योंकि बहुत धूप होती है, एकदम चिलचिलाती, और बहुत मज़े आएंगे। चलो चलते हैं। यहाँ पानी फ्री में मिलता है, यहाँ पानी पी के आप चढ़ाई चढ़ सकते हैं, अगर कोई थका हुआ है जिसको पानी पीना है तो यहाँ से जाके पानी पी के जा सकते हैं। और ऊपर ये जो सीढ़ियाँ देख रहे हैं साइड वाइड में, चलो मैं बताती हूँ, ये जो सीढ़ियाँ देख रहे हो आप ये 700 सीढ़ियाँ हैं और इसको पूरा चढ़ के पार करके ऊपर जाना है। और ये वीर हनुमान जी का मंदिर है जो कि जयपुर से 45 किलोमीटर दूर है और बहुत मज़े आ रहे हैं जाने में। और यहाँ पे मतलब ये मंदिर जो है ना 600 साल पुराना है और मौसम काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो रहा है और यहाँ बंदरों से यहाँ बच के रहना है, बंदर बहुत हैं। और तो चलते हैं आगे की तरफ। ये मेरे लिए अनएक्सपेक्टेड था और मुझे पता भी नहीं था कि मेरे को यहाँ पे आने का मौका मिलेगा। मैं बहुत खुश हुई जब मुझे पता चला और मुझे बहुत, और यहाँ पे ट्रॉलीज भी हैं बट ट्रॉलीज अभी बंद हुई पड़ी हैं, ट्रॉली से भी जा सकते हैं। चले, और ये थोड़ा सा पानी गिरता हुआ मुझे यहाँ दिखा, व्यू आपको दिखाना चाहा मैंने, देख लो थोड़ा सा है, काफ़ी व्यू अच्छे आ रहे हैं, काफ़ी मतलब ग्रीनरी छाई हुई है और हवा भी काफ़ी अच्छी चल रही है, मतलब मस्त है पूरा टोटल। ऐसा बोला जाता है कि यहाँ पे एक हिमालय से एक संत महात्मा आए थे जिनका नाम था श्री रन्नगन दास नाम था उनका, और उनके साथ उनके शिष्य आए थे। और फिर एक दिन जब वो शिष्य आराम कर रहे थे उनको आकाशवाणी में सुनाई दिया कि यहाँ पे हनुमान जी की मूर्ति के बारे में, तो जब तक हनुमान जी पहाड़ से निकले और फिर तब से ही उनकी यहाँ पूजा की जाती है, तब से ये श्री रन्नगन दास जी जो हैं वो पूजा करते आ रहे थे। और उसके बाद जब वो कहीं पे मतलब तीर्थ यात्रा पर निकल गए तो उनके शिष्य ने, उनके पीछे से कोई ऐसी भक्त आया था तो उसको मतलब उसने बहुत रिक्वेस्ट की उस भक्त ने कि उस शिष्य से कि प्लीज़ मुझे दिखा दो करके, तो उसने पर्दा हटा के उस मूर्ति का दर्शन करवाया, तब फिर उस दिन से फिर वो मूर्ति बोलने लग गई, तब से यहाँ पूजा होती है। पहुँच गए हैं, बहुत जान लगी पहुँचने में, और ये है मेन मंदिर, ऊपर से टॉप से ऐसा दिखता है। यहाँ से आप प्रसाद वगैरह ले सकते हैं और मंदिर के लिए, और अब एंटर करने वाले हैं अंदर, बहुत मिनटों के बाद पहुँची हूँ यहाँ पे। तो आगे चलते हैं, ऐसा कुछ दिखेगा। और यहाँ पे शूज़ खोलने के लिए यहाँ पे जगह बनाई हुई है, तो यहीं पे शूज़ खोल के आगे जाएंगे मंदिर के अंदर। हमने प्रसाद ले लिया और चलते हैं फिर आगे।
मंदिर के दर्शन करने अंदर। बहुत प्यारा मंदिर अंदर से, ऐसे मोबाइल अलाउड नहीं है बट फिर भी आपको थोड़ा दिखा देता हूँ। मैं दर्शन करके बाहर आई और मैंने अपना नेट ऑन किया तो यहाँ पे नेटवर्क प्रॉब्लम है तो यहाँ पे नेट नहीं चलता, ऊपर बंद रहता है। यहाँ पे एक स्कूल भी है जो आपको दिखाते हैं अभी। इस स्कूल में वेदों की पढ़ाई की करवाई जाती है। ये मंदिर वैसे फेमस है, सब जानते हैं इसके बारे में। चीज़ मिली जो आपसे मैं शेयर करना चाहती हूँ, ये है, ये बहुत टेस्टी होते हैं, राजस्थान में मिलते हैं। छोटू इसको बोलते क्या है, ले लो, और टेस्टी है सच्ची। मैं आज बहुत खुश हो गई, बट चढ़ने में बहुत बुरी हालत हो रही थी, अब उतरने में बहुत आसानी हो रही है, ईजी हो रहा है उतरने में। आज का व्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं, दर्शन हो गए हमारे कंप्लीट। आप भी आ सकते हैं यहाँ पे और आना चाहिए आपको।